हेलो नमस्ते, की हाल चाल, सत श्री अकाल। चले करते हैं आज टॉप सेलिंग कार्स के बारे में सीधी बात बिना किसी बकवास। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है मारुति सुजुकी वैगन आर, जिसकी 10,181 यूनिट्स बिकी थी। और 9वें नंबर पर है ह्युंडई की क्रेटा, जिसकी 10,205 यूनिट्स गाड़ियाँ बिकी थी। 8वें नंबर पर आई है मारुति सुजुकी की ईको, जिसकी 10,581 यूनिट्स गाड़ियाँ बिकी हैं। 7वें नंबर पर है टाटा की पंच, जिसकी 10,586 यूनिट्स गाड़ियाँ बिकी हैं। और 6वें नंबर पर है मारुति सुजुकी ब्रेजा, इसकी 11,200 यूनिट गाड़ियाँ बिकी हैं। 5वें नंबर पर है मारुति सुजुकी डिज़ायर, जिसकी 11,997 यूनिट गाड़ियाँ बिकी हैं। और 4थे नंबर पर है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 12,053 यूनिट गाड़ियाँ बिकी हैं। 3रे नंबर पर है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जिसकी 12,061 यूनिट गाड़ियाँ बिकी हैं। और 2रे नंबर पर है मारुति सुजुकी अर्टिगा, इसकी 12,273 यूनिट गाड़ियाँ बिकी हैं। और 1 पर है मारुति सुजुकी बैलिनो, इसकी 16,932 यूनिट गाड़ियाँ बिकी हैं। 4था और 7वां नंबर टाटा का है, यानी 10 में से 2 गाड़ियाँ टाटा की हैं। टाटा नेक्सॉन जो है अब ये टॉप 10 नंबर लिस्ट पे काफ़ी स्टेबल हो चुकी है। यह कई महीनों से अब लगातार टॉप 10 गाड़ियों की लिस्ट में आ रही है। अब इसको टॉप सेलिंग की लिस्ट से हटाना नामुमकिन है। अब ये गाड़ी हमेशा टॉप 10 सेलिंग कार्स में ही बनी रहेगी। कहने का मतलब है कि टाटा को लोग अब पसंद कर रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ लगातार बिकती रहेंगी। तो यही सब कुछ था आज की वीडियो में। वीडियो से तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर करें। और जो लोग गरीब हैं, अपना स्टार्टअप नहीं बना सकते, उनकी हेल्प के लिए ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ जहाँ पे कोई भी आगे अपना स्टार्टअप बना सके, यानी जिसके पास पैसों की तंगी है वो भी अपना स्टार्टअप खोल सके। तो ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए QR कोड को स्कैन करके अपना सपोर्ट जरूर 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 भेजें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।